देख रहे हैं YouTube चैनल ब्लॉगर विनीत। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो प्रोडक्ट है दोस्तों कैंपर्स, हाइकर्स और ट्रैकर्स के लिए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एक बैकपैक या रस्क सैक भी आप इसे कह सकते हैं। और ये जो रस्क सैक है दोस्तों ये है ट्राइपोल कंपनी का। ट्राइपोल कंपनी जो है दोस्तों मेड इन इंडिया है और कैंपिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए और हाइकिंग के लिए बैग्स बनाती है। उस कंपनी का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा नीचे और वहां पे आप जाके सभी प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं। तो आज मैं करने वाला हूं दोस्तों इस बैग का रिव्यू, किस तरह का बैग है, क्या क्या खासियत है इसकी और क्या स्पेशल फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बैग के ऊपर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है कंपनी की ब्रांडिंग और ये इस तरह से बैग रहता है पूरा। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो स्टफ आप देख रहे हैं ये वाटर रेजिस्टेंट है और किसी भी तरह से इसमें अंदर पानी नहीं जा पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखे हैं बकल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों साइड। इन्हें यदि मैं खोलता हूँ तो इस तरह से ये इसका कवर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक पॉकेट, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई भी आपका जो अदर स्टफ है वो इसमें रख सकते हैं। और इसके ऊपर बैक साइड में भी एक बढ़िया पॉकेट दी हुई है। तो ये एक चेन है और ये है, काफ़ी बड़ी पॉकेट है। ये इसके साथ दोस्तों निकलता है इसका रेन कवर, इसको मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। तो ये जो पॉकेट है दोस्तों काफ़ी बड़ी है और यदि मैं चेन की क्वालिटी की बात करूं तो YKK की इसमें चेन लगी हुई है जो कि काफ़ी रफ एंड टफ है। और ये जो स्ट्रैप्स आप देख रहे हैं ऊपर लगे हुए हैं ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं दोस्तों, इस तरह से ये खुल के बड़ा हो जाता है। इसमें आप लगा सकते हैं अपना कैंपिंग मैट वगैरह जो होती है वो आप इसमें बड़े आराम से रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो आप इलास्टिक देख रहे हैं इसमें हम किस तरह से दोस्तों अपनी स्लीपिंग मैट जो है लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें इस तरह से इसे घुसा देना होता है यूं और इसे हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा और यहाँ से हम कर देते हैं इसे दोस्तों टाइट, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो स्लीपिंग मैट है वो बैग के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। दोस्तों यदि हम पीछे की साइड देखते हैं इसकी बैक साइड तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रैप्स दे रखे हैं और ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा ये मूवेबल रहता है। देखिए इस तरह से ये एडजस्टेबल है, आप अपने कंधे के हिसाब से जो बैक होती है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके यदि मैं मटेरियल की बात करूं ये जो आप मैश देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की मैश है, काफ़ी मोटा दोस्तों इसका ये स्ट्रैप है जो कि आपके कंधे पे आ जाता है और कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके कंधे पे ये चुभ रहा है या गड़ रहा है। इसके बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों इसके बकल्स की तो ये जो आप देख रहे हैं बकल्स इसमें लगे हुए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम क्वालिटी के हैं, कहीं से भी मुझे देखने में ये नहीं लगता है कि कोई चीप मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। और सेम चीज़ है दोस्तों इसके स्ट्रैप्स की, बहुत से बैग्स में आपने देखा होगा स्ट्रैप्स बहुत ही ज़्यादा झिन्ने से लगाए जाते हैं और बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये स्ट्रैप इसमें सभी तरह के लगे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं वेस्ट की, ये जो आप पैडिंग देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त पैडिंग है और काफ़ी बढ़िया मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। इस तरह से ये पूरा एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि सभी स्ट्रैप्स और बकल्स को बहुत ही बढ़िया से स्टिच किया गया है और सभी सिंगल हैंडेड ऑपरेटिंग है। जब मैं बैग पीठ पे ला दूंगा दोस्तों तभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि इसका जो फ्रेम है ये देख रहे हैं आप, ये एल्युमिनियम की पूरी एक पत्ती सी लगी हुई है जो कि बहुत मजबूत है और इस बैग को ऊपर से लेके नीचे तक ये कवर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बैग को टांगते हैं तो दोस्तों आपकी पीठ पर किसी भी तरह से कोई भी बर्डन नहीं आता है। तो दोस्तों इस बैग की जो सबसे खास बात ये है कि ये जो आप चेन देख रहे हैं ये फ्रंट ओपनिंग है, यानी आप सामने से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं जो इसके अंदर मटेरियल आपने रखा हुआ है और ऊपर से भी आप इसे खोलकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से ये ऊपर रखा हुआ है मेरा दोस्तों स्लीपिंग बैग और यहाँ से ये चेन खुल जाती है इस तरह से देखें, ठीक है, और नीचे से भी ये चेन खुल जाती है पूरी।
देख रहे हैं आप, यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बढ़िया चीज दी हुई है दोस्तों, चेन पूरी तरह से अपने आप ना खुले तो यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है ये बटन, इस तरह से ये रेड कलर के स्ट्रैप में लगा हुआ है और यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं और ये इस तरह से आपका बैग पूरा हो जाता है पैक। तो दोस्तों यदि मैं बैग को थोड़ा सा मोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये जो आप बकल्स देख रहे हैं दो लगे हुए हैं, इन्हें अगर हम खोलते हैं इस तरह से ये, तो यहाँ पे एक पूरी चेन आ रही है जो कि यहाँ तक खुलती है और यहाँ पे दी हुई है एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट, ये देखें है ना, तो ये इस तरह से बंद हो जाती है और यहाँ से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड जो है बैग की, वहाँ पे भी एक काफ़ी बढ़िया पॉकेट दे रखी है, ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी अपना सामान वगैरह बड़े आराम से रख सकते हैं और यहाँ पे ये इलास्टिक लगी हुई है। तो दोस्तों इस बैग के बॉटम में यहाँ पे एक पूरी बड़ी पॉकेट दी हुई है, ये जो आप चेन देख रहे हैं ये यहाँ साइड से एक्सेस होती है, ये देख रहे हैं, और डुअल चेन सिस्टम है, ये देखें इस तरह से, और ये पूरी पॉकेट दोस्तों अलग है और यहाँ आप नीचे पूरा कोई भी स्टफ रख सकते हैं। मैं जब बैग को खाली करूँगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें नीचे पूरा सामान आ सकता है। इसमें नीचे आप अपना टेंट रख सकते हैं, शूज़ वगैरह रख सकते हैं, स्लीपर्स रख सकते हैं या कोई भी आपकी एसेसरीज है, वो इस पॉकेट के अंदर बड़े आराम से आ जाती है। दोस्तों इस बैग में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हैं ये काफ़ी मजबूती से बैग में जोड़ा गया है, क्योंकि यदि आपका बैग भरा हुआ है और आप इसे उठाना चाहें तो बड़े आराम से इस तरह से आप लिफ्ट कर सकते हैं। पूरा भरा हुआ बैग होने के बाद भी इस स्ट्रैप पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पे इसी स्ट्रैप के नीचे एक यहाँ पे छोटी सी पॉकेट दे रखी है, ये देखें, ये पॉकेट जो है दोस्तों ये आपके होता है वाटर ब्लैडर जो आते हैं बैग के अंदर पानी रखने के लिए, उसका एक पाइप निकलता है, वो यहाँ से आप निकाल के पानी पीने के काम में ले सकते हैं, तो ये उसी के लिए यहाँ पे ये पॉकेट है जो कि अंदर से एक्सेसिबल है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ ये जो आप सिलाई देख रहे हैं इसमें, ये काफ़ी मजबूत है और बहुत ही बढ़िया धागे से इसकी सिलाई करी गई है, स्टिचिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, कहीं से भी ये नहीं लगता है कि बैग खुल जाएगा या स्टिचिंग उधड़ जाएगी, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। ये देखें आप, काफ़ी मजबूत स्टिचिंग इसमें दोस्तों करी गई है सभी तरफ से, कोई भी आप इसका हिस्सा ले लीजिए, सब तरफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी स्टिचिंग करी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये है ट्राइपोल टेरा 75। लोगों का ये पूछना होता है काफ़ी सारे बैग्स के रिगार्डिंग कि क्या इस बैग में लैपटॉप आ सकता है, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इस बैग के अंदर फुल फ्लैश बड़े लैपटॉप के लिए एक अंदर पॉकेट दी हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं बैग को खाली करता हूं और दिखाता हूं आपको कि लैपटॉप इसके अंदर किस तरह से रखा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बैग को मैंने कर दिया है बिल्कुल खाली, और खाली होने पर ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है, ये देखें, इसे हम यहाँ से खोल लेते हैं, बल्कि मैं पूरा ही खोल देता हूँ, ये देखें इस तरह से ये सामने से पूरा खुल जाता है और यहाँ पे ये रखा हुआ है मेरा लैपटॉप। इसे सिक्योर करने के लिए ये वेलक्रो का एक स्ट्रैप दिया हुआ है और ये आ जाता है अपना लैपटॉप और ये आ जाता है आपका बंद। और इस तरह से ये जो चेन आप देख रहे हैं दोस्तों ये इस तरह से एक्सेस होती है और नीचे से भी आप इसे खोल सकते हैं इस तरह से। तो ये है इसमें दोस्तों डुअल चेन सिस्टम। और यहाँ पे मैं अब ये जो नीचे वाली पॉकेट थी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से खुलना शुरू होती है और ये पूरा चलती 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 यहाँ तक आती है और यहाँ पे ये आपका कंपार्टमेंट अलग हो जाता है। अब यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ और दे रखी है जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगी, ये एक अलग से फ्लैप दिला हुआ है ऊपर के और नीचे के कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए। यहाँ पे ये कुंडे दिले हुए हैं दोस्तों और इन्हें हम कर देते हैं इसमें इस तरह से फिट, ये देखें। तो इससे होता क्या है कि ऊपर आपका जो सामान रखा हुआ है ये अब ऊपर की और ये नीचे की पॉकेट बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। ऊपर जो भी आपका सामान भरा हुआ है दोस्तों वो ऊपर ही रहेगा और नीचे आप और भी कोई चीज़ इसमें बड़े आराम से रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक तरह से डिवाइड करता है पूरे बैग को यहाँ से। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी कहती है कि ये जो स्टफ़ है इस बैग का वो है वाटर रिपेलेंट, तो ये रही पानी की बोतल और अब हम चेक करेंगे क्या वाकई में ये वाटर रिपेलेंट है कि नहीं है। चलिए
अंदर रखा हुआ है मेरा लैपटॉप और ऊपर से मैं डालूंगा दोस्तों इस पे पानी। ये देखें, और अंदर खोल के देखते हैं कि पानी गया कि नहीं गया। बहुत बढ़िया, अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों पानी नहीं आया है कहीं से भी, पूरा अंदर सूखा हुआ है। ये देखें, तो छोटे मोटे यदि बारिश हो रही है या कोई इस तरह से है तो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि पानी नहीं घुसेगा। तो ये है दोस्तों, चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके कुछ और फीचर्स, किस तरह से बाकी के फीचर्स इसमें काम करते हैं। तो दोस्तों बैग एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बारी आती है दोस्तों इसके रेन कवर की। रेन कवर को भी मैं एक बार पानी से टेस्ट करके देखूंगा कि अंदर पानी तो नहीं जा रहा है इसके, या कोई और दिक्कत तो नहीं है। ये है रेन कवर और इसमें डाल दिया अपन ने पानी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पानी बिल्कुल भी अंदर की साइड नहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे रेन कवर पे ये फैला हुआ है, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि पानी अंदर की तरफ गया हो। बहुत बढ़िया, ये मैंने हाथ लगा लिया है नीचे, लेकिन पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है दोस्तों। पूरी तरह से ये वाटरप्रूफ है भाई। उल्टस, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये रेन कवर किस तरह से लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ ऊपर से चढ़ाते हुए नीचे की तरफ लाएं और ये आ जाता है इसमें बंद, और इस तरह से चढ़ जाता है दोस्तों आपका रेन कवर। रेन कवर के ऊपर दोस्तों दिला हुआ है ट्राइपोल गियर्स 50 to 75 liter। तो ये है एक बार पानी का टेस्ट। और कोई दिक्कत नहीं है, पानी अंदर जाएगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूं आपको इसे पहन के और क्या क्या फीचर्स हैं इसके, पहनने के बाद पता चलेंगे। लॉक एंड लोडेड। इस बकल की और इस स्ट्रैप की एक खासियत है, खासियत ये है ये सिंगल हैंड ऑपरेटेड है। देखिए यदि आपको ढीला करना है यहाँ से हल्का सा उठाइए, ढीला हो जाता है, और यदि आपको टाइट करना है ये स्ट्रैप पकड़िए और यहाँ से ये कस जाता है। इस तरह का मैकेनिज्म दोस्तों मुझे किसी और बैग में देखने को नहीं मिला है। सेम कंडीशन इस साइड से भी है, यहाँ से आप इसे हल्का सा ढीला करेंगे और इसे पकड़ के टाइट कर देंगे। ये है इसी तरह से दोस्तों ये जो स्ट्रैप्स आप देख रहे हैं जो कि इसे सपोर्ट करते हैं, ये भी इसी तरह से एडजस्टेबल है सिंगल हैंड से, और ढीला कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आती है दोस्तों, ये जो आप बकल्स देख रहे हैं दोस्तों जिसमें स्ट्रैप लगे हुए हैं, इसे भी एक हाथ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सीधे ये पकड़े और ये टाइट और इसी तरह से ये यहाँ से हो जाते हैं दोस्तों ढीले। आप अपने हिसाब से इसे टाइट या ढीला कर सकते हैं। ये देखें, इस बैग की सबसे खासियत जो मुझे लगी है, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों एल्युमिनियम का, यहाँ पीछे काफ़ी जगह है मेरे, ये देखें मेरा हाथ निकल रहा है इस साइड से। तो है क्या कहानी कि पूरी तरह से जो मेरी पीठ है वो इस बैग से चिपकी हुई नहीं है, जिसके कारण यहाँ से एयर वेंटिलेशन बना रहता है और आपकी पीठ पसीजती नहीं है, यानी पसीना नहीं आता है। और ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस तरह से है, ये पूरा सीधा खड़ा हुआ है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बैग से मेरी चिपका हुआ हो, पूरी तरह से बॉडी फिट है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इतना सामान लदा होने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा है कि इसमें कोई सामान लदा हुआ है, और मेरी बैग पे भी किसी तरह का कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद जो मेन फीचर आता है इस बैग का जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, वो है ये साइड पॉकेट। बड़े आराम से ये स्ट्रैप पकड़िए और फट से ये पॉकेट हो जाती है एक्सेस। इसमें आप मोबाइल बैटरी चार्जर जो चाहें इसमें आप रख सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, पानी पीने की बॉटल रखने का यहाँ पे एक अलग से होल्डर दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे 1 liter की पूरी पानी की बॉटल आ जाती है और बड़े ही इजीली एक्सेसिबल है इस तरह से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस बैग का जो लिंक है दोस्तों वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी वीडियो लाने का मेरा प्रयास जारी है। YouTube चैनल ब्लॉगर विनीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।